दोस्तों फाइनली 5G आ गया है इंडिया। तभी 5G कुछ जगह पर 5G लॉन्च कर दिया। अगर आप लोग 5G यूज़ करना चाहते हो, 5G चलाना चाहते हो मोबाइल पर, तो आपको दो तीन सेटिंग पर भी चेक करना पड़ेगा। पहले तो आपको एक सिम चाहिए, जो जगह जिस जगह पर अभी 5G अवेलेबल है। अगर जियो अवेलेबल है तो जियो का सिम चाहिए। दूसरा आपको 5G मोबाइल चाहिए। तीसरा आपको आपका जो 5G मोबाइल है, मोबाइल पर आपको सेटिंग करना पड़ेगा, 5G एनेबल करना पड़ेगा। कैसे 5G एनेबल करना है आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। अगर आप लोग दूसरा किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहते हैं तो उसके बारे में भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज मैं आप लोग को सिर्फ बताने वाला हूँ कैसे आप लोग 5G को एनेबल करना है अपना 5G मोबाइल पर, कैसे एनेबल करके आप रख सकते हैं। जैसे पहले 4G सिम आया था तो 4G वोल्टेज को एनेबल करके रखना पड़ता है। 4G वोल्टेज को एनेबल करने के बाद 4G डाटा आप यूज़ कर पाते हैं। तो ऐसे ही आपको 5G एनेबल करके रखना पड़ेगा। 5G एनेबल करके रखने के बाद, अब 5G सेटिंग करके रखने के बाद आप 5G यूज कर पाओगे अपना मोबाइल पर। अगर आप लोग ये सेटिंग नहीं करते, आपका सिम 4G पर लगाया हुआ है सेटिंग पर, तो आप जितना भी 5G जगह 5G जहाँ पर लॉन्च हुआ 5G का जगह पर चले जाओ, आपका मोबाइल 5G होने दो, आपका रिचार्ज भी 5G होने दो, लेकिन 5G नहीं चलेगा जब तक आप सेटिंग नहीं करेंगे मोबाइल का अंदर जाके। तो अगर आप लोग ये सेटिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बना रहिए। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कैसे आप अपना मोबाइल पर 5G एनेबल करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा पास एक मोबाइल है, रेडमी नोट 11 प्रो प्लस 5G फ़ोन। तो ये मोबाइल पर मैं आप लोगों को लाइव करके दिखाऊंगा कैसे आप अपना मोबाइल पर 5G एनेबल करके रख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना कि आपका जो भी मोबाइल है, जो भी ब्रांड का है, तो आपको करना कि आपका मोबाइल का सेटिंग ऑन कर लेना है। तो मैं यहाँ पर मोबाइल का सेटिंग ऑन कर दिया। सेटिंग ऑन करने के बाद यहाँ पर एक सेटिंग को आप ढूंढ लेना। यहाँ पर देख सकते हैं सिम कार्ड मोबाइल नेटवर्क, रेडमी का मोबाइल पे ऐसे ही देखा रहा है। अगर दूसरा फ़ोन है तो आपको यहाँ पर ओनली मोबाइल नेटवर्क भी देखा सकता है यहाँ पे, या फिर हो सकता है सिम कार्ड भी देखा है। तो आपको जो भी सेटिंग है आपको यह ढूंढ लेना है। ढूंढने के बाद आपको यहाँ पर सिम कार्ड सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है। सिम कार्ड मोबाइल नेटवर्क, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर आपका पास दो सिम है तो यहाँ पे दो शो करेगा, अगर एक सिम है तो एक शो करेगा। तो इस मोबाइल पर एक ही सिम है, जियो का सिम है, तो यहाँ पर मैं एक ही सिम पर जो सिम है उसी सिम पर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। आपके पास जो सिम है, जो सिम पर आप 5G एनेबल करना चाहते हैं, अगर यहाँ पे 1, 2 दो सिम है, दो सिम पर आप अगर आप लोग दो सिम पर, तो एक साथ में 5G एनेबल नहीं होगा। अगर आपका मोबाइल में डुअल 5G से एनेबल किया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है डुअल 5G, तो सपोर्ट दिया हुआ है, तो आप दोनों सिम में 5G एनेबल करके रख सकते हैं। अगर इसमें सिंगल सिम में 5G दिया हुआ है तो आपको यहाँ पर एक ही सिम पर 5G एनेबल करने का ऑप्शन मिलेगा, दोनों एक साथ में एनेबल नहीं कर सकते। तो जो फोन, जो सिम पर आप 5G यूज़ करना चाहते हो, वह सिम पर आपको क्लिक करना है, 1 में या 2 में, जो सिम पर आप 5G यूज़ करना चाहते हैं उस सिम पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे एक सेटिंग ढूंढ लेना। यहाँ पे देख सकते हैं प्रीफर, तो आपको यहाँ पर प्रीफर नेटवर्क टाइप पर यहाँ पे आपको क्लिक कर देना। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन है, यहाँ पे अभी किया हुआ है प्रेफर LTE में वोल्टेज में यहाँ पर रखा हुआ है, 4G वोल्टेज में यहाँ पे डाला हुआ है। लेकिन आपको करना क्या है, यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं प्रेफर 5G, तो आपको इस पर क्लिक करके देना है आपको प्रेफर 5G पर। यहाँ पे मैं फिर से दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऊपर चला गया प्रेफर 5G पर, यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करके आपको रख देना है। तो यहाँ पे रखने के बाद आपको, अगर आप जो 5G जहाँ पर अवेलेबल है अभी उसी जगह पर है और आपका सिम में 5G नेटवर्क आप देखा रहा है और आपका मोबाइल भी 5G है, तो आपका इसमें तुरंत 5G आ जाएगा। अगर यहाँ पे ये जो 5G का मार्क है, ये मार्क अगर यहाँ पे नीचे है प्रेफर LTE यहाँ पर है, या इसका मतलब वोल्टेज है 4G वोल्टेज, तो अगर आपका यहाँ पे 4G वोल्टेज पर है तो आपका मोबाइल पर आप जितना भी 5G का टावर का नीचे भी चला जाओ, लेकिन आपका मोबाइल में 5G नहीं चलेगा जब तक आप यहाँ पर सेटिंग पर जाके 5G को एनेबल करके नहीं रखोगे, तब तक आपका मोबाइल में 5G नहीं चलेगा। तो आपको यहाँ पर इनेबल करके रखना है। तो ये सेटिंग है, बहुत ही आसान है, बहुत आसानी से आप निकल सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर यह सेटिंग ढूंढ के नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ पे ऊपर सर्च भी कर सकते हैं। सिम कार्ड सर्च करोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं सिम कार्ड, या फिर मोबाइल नेटवर्क सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद आ जाएगा सब मोबाइल का, यहाँ पर ऊपर एक सर्च बॉक्स दिया हुआ रहता है, उस सेटिंग पर यहाँ पे जाके आप सर्च बॉक्स में सर्च कर लेना है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है वही देख के सर्च कर सकते हैं, या फिर मोबाइल नेटवर्क या फिर सिम कार्ड आप सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद फिर से मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे आना। यहाँ पे आने के बाद
प्रेफरेट नेटवर्क टाइप यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको 5G पर टिक मार्क करके रख देना, तब आपका मोबाइल में 5G एनेबल हो जाएगा। और जब भी आप 5G नेटवर्क के पास जाओगे और आपका मोबाइल 5G होगा तो आपका यहाँ पे 5G यूज़ कर पाओगे आप, 5G ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका मोबाइल पर। तो ऐसे आप लोग अपना मोबाइल पर 5G एनेबल करके रख सकते हैं और अपना मोबाइल पर 5G यूज़ कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, तो वीडियो की यहाँ पे खत्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके जाइए और हो सके तो अपना ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड पर जो बेल आइकन आएगा उस पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डालूंगा आप लोगों को ऐसे ही मिलते रहे। अगर आपको दूसरा किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट करके बता सकते हो, उसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहाँ पर खत्म करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।